अरे अभी भी मारती कहीं को। सालो तुम ही चला लो चैनल। हाँ तो अच्छे से बोलो ना अभी भी। साला मेरे अलावा सब आ रहे हैं चैनल पे। ओहो क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश। क्या चल रहा है भैया क्या बताए तुमको, खांसी भी आता है ना भाई, सीधा आंख के सामने ये लोग आ जाते हैं। बी केयरफुल, स्टे होम, मास्क वास्क लगाओ, ओके। और कमेंट में कोई बोलेगा नहीं थगेश दाढ़ी क्यों नहीं नहीं करने का, दाढ़ी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे ना फिर ही दाढ़ी करेगा। 2 मिलियन तक नो श्रेय। तो आज वी आर बैक, तो आज वी आर हियर टू रिव्यू मिस्टर फैजूज न्यू शो। शो का नाम है फोन स्वैप। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो। अरे भाई वी आर नॉट हियर टू रिव्यू मिस्टर फैजू, वी हैव डन दैट। हम आज बात करने वाले हैं उनके शो की, ओके ओके। फोन स्वैप, जहां पर ब्लाइंड डेट पे एक लड़का और एक लड़की जाते हैं एंड उनको बताया जाता है कि आपको फोन स्वैप करने हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के फोन चेक करेंगे। कोरोना के केसेस मालूम है तुम लोगों कितने, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या काम धंधा नहीं कर रहे हो। मैंने इसको देखा, ये एक ब्लाइंड डेटिंग शो है एंड इट्स एज रियल एज शिट्स विला। शो में 4 एपिसोड है जिसमें से 1 एपिसोड में आए मिस्टर फैजू। माय नेम इज शेख मोहम्मद मुदस्सिर और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, लोग प्यार से मुझे फैजू बुलाते हैं। देखो टिकटॉक बैन के बाद क्या हालत बना रखी है हमारे फैजू भैया की, कैसे कैसे शो में जाना पड़ रहा है। देखो आपको क्या जरूरत ब्लाइंड डेट पे जाने की, सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक में रहे होगे, मतलब टिकटॉक तो हर कोई यूज करता है। सबके पास नहीं होता लक्ष्मण, सबकी नहीं होती। फनी ये 2 मिनट पहले बोल रही थी कि इनको टिकटॉक वगैरह पसंद नहीं है। टिकटॉक में रहे होगे, मतलब टिकटॉक तो हर कोई यूज करता है। आई डोंट जज मी, मैं टिकटॉक में नहीं थी, आई नेवर रियली लाइक टिकटॉक सच में, लेकिन इनके इंस्टाग्राम रील्स पे वही कंटेंट है टिकटॉक वाला। डांस बहुत अच्छा कर रही है। सडनली कोलैब करने के लिए एकदम एक्साइटेड, और ये जिससे साथ में कोलैब कर सकते हैं, जो कोलैब करने वाले क्या नहीं, मतलब ऐसा कोई स्क्रिप्ट दिया है क्या कि गोल्ड डिगर ही बनना है। दी दे नीवन से गोल्ड माय फ्रेंड। हां गोल्ड मियां, गोल्ड में तो हमारे जमाने में इन्वेस्ट करती है। आपका जमाना गया, अभी डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। काहे बोलते हो रे, अपस्टॉक्स गोल्ड जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 30 लाख से ज्यादा यूजर्स है। मियाँ हमको ये सब ऐप नहीं समझती। अरे मियाँ इसका इंटरफेस देखो एकदम यूजर फ्रेंडली है। और ये कहाँ से लेके आई है तांबा, कौन चिपका है नकली माल तुमको, उसका भी मेकिंग चार्जेस दिया होगा। हाँ वो 5-8% ली थी हमसे। अपस्टॉक्स गोल्ड में सिर्फ GST देना पड़ता है, वो भी 3%, और तो और इस पे 99.9% शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड है। इन मियाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो टेंशन लो ही मत, आपका गोल्ड स्टोर्ड है 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स में, सो आपको कोई भी वरी नहीं करना है सेफ्टी का। ऊपर से देखो आप तो बड़े हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे अपनी पॉकेट मनी से महज 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। और तो और आप इसके फोन ऐप से गोल्ड लाइव मार्केट पे बेच और खरीद भी सकते हो, और आप लोग भी अपना अकाउंट ओपन करो, इट्स फ्री एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू डाउनलोड इट, एंड अभी अकाउंट ओपन करने पे यू गेट ई गोल्ड वर्थ ₹51। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू डाउनलोड अपस्टॉक्स गोल्ड। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वी जस्ट लेट देम नो दे हैव टू ट्रेड फोन्स। क्या वेट, व्हाट, सच में हमारे फोन स्वैप होंगे? Of course, you didn't knew. तभी तो आपने बोला फोन स्वैप होंगे, जो कि एक्जैक्ट शो का नाम है। आप ये भी बोल सकते फोन अदल बदल हो जाएंगे, फोन एक्सचेंज नहीं, फोन स्वैप होंगे। सच में हमारे फोन स्वैप होंगे? गारी गारी। See, I'm very smart. I think let's start with Snapchat. Okay. Of course, Snapchat पहले खुलेगा because शो Snapchat पे आया। Yes. I like how शो को सुमड़ी में रिलीज किया गया। तुम कैसे सुमड़ी में रिलीज, किसी को मालूम पढ़ना ही नहीं मांगते, रोस्टर लोग को तो मालूम पढ़ना ही नहीं मांगता कि शो आया है। कर वो थगेश को बहुत खतरनाक आदमी है भाई, टिकटॉकर देख के पहले आता है। ये जो बेस्ट चीज है जो अभी तक निष्ठा ने देखी नहीं है, तो अब वो देखेगी तो उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। ओहो भाई भाई फुल फ्लेक्सिंग, अभी इसको इसकी औकात पता चलेगी, इसको मालूम पड़ेगा ना अभी मैं कौन हूँ और मैंने क्या क्या कांड किए। जब उसकी औलाद बदला ले, पहली फुर्सत में भागेगी इधर से, मेरी फोटो रहेगी ना उसमें। थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस लग रहा है, 15.7 मिलियन फॉलोअर्स है, सेल्फ ऑब्सेस नहीं रहेगा बंदा तो क्या रहेगा। लेट मी गेस, हम्बल, डाउन टू अर्थ, लॉकडाउन में बाहर ना निकलने वाला आदमी, ऐसे कांड ना करने वाला आदमी। वेट व्हाट,
He's got a blue tick. ए, इसने वो वाला वर्ड बोला ची 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 ची। इसने सिर्फ ओफो बोला। ओफ। He's got a blue tick. मतलब ओवर ड्रामेटिक दिखाने के लिए ओफो को ओफो तो खराब एक्टिंग कवर हो जाएगी। You guys should subscribe to this. I'm telling you, subscribe to this. I am still in shock. 15.7 million followers. Is that some joke? I don't know. मतलब लोगों को ये समझता कैसे नहीं कि ये real expressions नहीं होता है। Wait, what? क्या ये एक्सप्रेशन हम लोग रियल लाइफ में देंगे? बेटा लंच। हाँ थैंक यू। Wait, what? Hey there, I'm in shock. मतलब खाने में नमकीन? Are you serious? मैं ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक मिनट। तू तो मेरा बाप नहीं है। अभी तो तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? निश मुखर्जी इनका इंस्टाग्राम देखते हैं। रूडीज में काम किया है। फिर तो पक्का एक्टर होगी। I think ये लड़का को मैं जानता हूँ। शायद मैं भी जानता हूँ। आमिर भाई है क्या? सेकंड एपिसोड देखते हैं। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है सारे लौंडे ऐसे घूर के परे क्यों है सब। Currently I'm working for my dad's company. An automotive journalist and also an aspiring actor. सारे के सारे लौंडे और लौंडिया इतने ब्यूटीफुल। हम जैसे एवरेज लुकिंग लोग तो है ही नहीं शो पे। काम धंधा होता है ना हमको इसलिए। एपिसोड 4। You never had a girlfriend? No. What is the issue? मेरे को एक चाहिए जिंदगी भर के लिए। तो बॉम्बे में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। Excuse me, आप by chance कोई और बॉम्बे में रहती? क्योंकि मैं जो बॉम्बे में रहता हूँ उधर तो ऐसा नहीं है। मुंबई itself की population is more than 2 crores and आपको लगता है उसमें ऐसी लड़की भाई को नहीं मिलेगी? इतना भी बदनाम ना करो हमारी लड़कियों को। Yeah, I used to like this guy, but Hendrik. उसकी हाइट छोटी थी। उसकी हाइट छोटी थी। No. Can't do. Oh my God. No. This is not happening. तू ही मेरा फोन नहीं देख सकते। You cannot see my phone. अरे उससे तो ब्रेकअप होते हैं फोन देखने से तो। तो ब्रेकअप नॉर्मली तब होते हैं जब डबल डेटिंग चल रही हो। सिर्फ फोन देखने से ब्रेकअप्स नहीं होते। जब उसपे कुछ मिलता है ना तभी ब्रेकअप होता है। ऐसे दूसरों के फोन देखने से ब्रेकअप होते तो पूरी दुनिया सिंगल होती। मेरे को थोड़ी फोटोज में और रियल में थोड़ी सी मतलब कमी निकाल रहा है। हाँ ये मेरी कमी निकाल रहा है। हाउ डेयर ही। मैं एक लड़के को छोड़ दूँ क्योंकि उसकी हाइट कम थी। दैट्स ओके। मेरी कमी निकाल रहा है। कितने फोटोज है भाई साहब। हाँ क्योंकि मैं फोटोजेनिक हूँ तेरी तरह नहीं। मेरी कमी निकाल रहा है। नाउ शी इज लाइक क्योंकि मैं फोटोजेनिक हूँ तेरी तरह नहीं। By any chance, are you into men as well? Like, I do not have a problem. I am very open-minded. What? Yeah, of course, you are very open-minded. उसकी हाइट छोटी थी। मुझे जिस तरह के लड़के पसंद है वो ज्यादा मैनली होते हैं और वैसे बातों में फन नहीं। विनय में मुझे लगता है कि वो भी चीजें मिसिंग है। अभी अभी इसने लड़के को लेस मैनली बोला। अगर ये लड़का अगर ये लड़की को बोल देता ना कि आप ज्यादा मर्दाना हो दुनिया फट पड़ती भाई। सारी सारी नेहा दुपियाए बाहर आती और भाई ये लड़के को बैश करती। I can be a little bit more mature about it. हाँ मोर मैच्योर लाइक यू। आपत्तिजनक लड़की है। I don't know ये शो क्या है इतना वियर्ड है। इसका वॉइस ओवर भी इतना वियर्ड है। After snooping through their phones, these two will get to decide if they actually want a second date. But even if you are mature enough, then subscribe to this channel. Be open-minded like her and subscribe to this channel. And don't forget to download Upstox Gold. So hurry up and open your free Upstox Gold account and get e-gold worth rupees 51 on successful account opening. So yeah, do download it. The link is in the description. Radhe bhaiya ke trailer pe humne ek video banaya tha. तो वो जाके देख लेना। So that's it. That's it for today, guys. We'll see you next video. Mein. Tab tak ke liye peace.